वो कक्षा 12वीं, और अंदर जो आपका है उसमें दो आपके जो है एक खंड और एक बचत जो है वो किया गया है। और इससे जैसा कि आपको पढ़ाने से पहले मैं थोड़ी सी बातें बताना चाहती हूँ कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि हिंदी साहित्य का जो विकास है वो से पहले कितने कालों में विभाजित हुआ और साहित्य किस तरीके से बना, ये सारी बातें मैं आपके पास आज यहाँ पर करने जा रही हूँ। तत्पश्चात जो है वो मैं अध्याय शुरू करूँ। हिंदी साहित्य के इतिहास को चार कालों में विभाजित किया गया, जिसमें पहला आदिकाल था, दूसरा भक्ति काल, तीसरा रीति काल और चौथा आधुनिक काल। तो ऐसा हुआ कि जिस समय आधुनिक काल शुरू हुआ तो उस समय पद्य तो पहले से चलता ही आ रहा था, पोइट्री जो थी वो आदिकाल से चलती आ रही थी, लेकिन गद्य साहित्य जो था वो लिखा नहीं गया। गद्य साहित्य का लेखन कब से माना गया? जैसे ही आधुनिक काल शुरू हुआ। तो गद्य खंड में क्या क्या चीजें आती हैं, आपको ये जानकारी जो है वो होना जरूरी है कि गद्य में हमारे कहानियां भी आती हैं, गद्य में हमारे नाटक भी आते हैं, हमारे आलेख भी आते हैं, और एकांकी यानी कि पद्य को छोड़कर जो भी चीजें हैं वो सारी की सारी जो है वो गद्य में शामिल होती हैं। तो इसके बाद जो आपकी किताब है, आप सभी के पास एग्जाम से पहले जो है वो किताब का होना अत्यंत जरूरी है। तो पहले आप लोग किताब खरीदिए। कल जो आपको एक अध्याय करवाया गया वो आपकी अंतराल किताब में से करवाया गया, जो मैंने आपको समझाया था अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता, जिसे प्रभाष जोशी जी ने लिखा था। आपको उसमें जीवन परिचय भी करवाया गया और लेसन को समझाया गया, और फिर आपको क्वेश्चन आंसर जो थे वो भी आपके साथ डिस्कस यहाँ पर किए गए। आज का जो मैं विषय लेकर यहाँ पर आई हूँ, ऐसा है कि इस विषय को आपने समझना है, और जो कल हमने चर्चा की थी उसी से ही संबंधित ये वाला जो अध्याय है, मैंने इसीलिए पहले इसको लिया ताकि आपको जो मटेरियल है, सामग्री जो है वो आपको मिलती जुलती लगे। लेकिन वहां पर मालवा की कहानी थी, मालवा की बात की गई थी, और यहाँ पर सिंगरौली की बात जो है वो की जाती है। वहां पर अंतराल किताब में प्रभाष जोशी जी थे, और इस किताब में अंतरा किताब में आपके गद्य खंड में निर्मल वर्मा जो है वो यहाँ पर वही समस्या को उजागर करते हैं। तो आपको कहने से एक अभिप्राय मेरा ये भी रहेगा कि जब आप लोग किसी भी चीज को पढ़ते हैं तो आप एकदम से क्वेश्चन आंसर के ऊपर ना जाएं, सबसे पहले उस लेखक के परिचय के ऊपर जाएं, उस लेखक के परिचय को आप समझें जानें, उसके बाद जो उसने कहने की बात अपनी मन की जो तथ्य है उसको रखा है उसको समझने का प्रयास करें, और उस लेखक के साथ अपना तालमेल इस तरीके से बिठाएं कि ऐसे लगे कि आप उस लेखक के साथ साथ चल रहे हैं। जब आपको ऐसा लगेगा कि हम लेखक के साथ साथ चल रहे हैं, उनकी कही बात को समझ रहे हैं, तो आपको प्रश्न उत्तर से बिल्कुल भी डर जो है, भय जो है वो नहीं लगेगा। आप आसानी से अपने जितने भी क्वेश्चन, जरूरी नहीं है कि सिलेबस के सिर्फ जो आपकी किताब में 5 क्वेश्चन है या जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही आएंगे, ऐसा नहीं है। कहीं से भी उस अध्याय से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा, तो अगर आपको लेसन समझ में आया होगा तब आप उसे आसानी से जो है वो यहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हैं, अन्यथा जो है वो फिर आपको जो है वो मुश्किल आ जाएगी। एक बात, दूसरी बात, इसमें एक तो आपके गद्य खंड में लेखक का परिचय जरूर आता है, दूसरी बात कि आपको क्वेश्चन आंसर्स आते हैं, तीसरी बात एक और क्वेश्चन आपको आता है जिसमें उस खंड में से जो गद्य खंड है उसकी, चाहे वो आलेख है चाहे वो कहानी है कुछ भी चीज है, उसमें से चंद पंक्तियां आती हैं, 5 या 10 पंक्तियां आएंगी और आपको वो छांटनी पड़ेंगी, उसकी व्याख्या बतानी पड़ेगी, उसको समझाना पड़ेगा कि लेखक कौन है और किस संदर्भ में बात कर रहा है। तो आपको वो तभी पता होगा जब आपने उस किताब को पढ़ा होगा, बिना किताब के आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो आपके लिए सबसे बड़ी हेल्प बुक जो है वो आपकी यही किताबें हैं। जितना आप इन टेक्स्ट को पढ़ेंगे उतना जो है वो आपको समझ में आएगा, और ऐसा नहीं है कि हिंदी के लिए आपके पास बहुत विषय सामग्री है, ऐसा कुछ नहीं है। हिंदी के लिए आपके पास इस बार बहुत ही कम जो है वो सिलेबस सेकेंड टर्म के लिए है। तो आप लोग अगर रोज का एक लेसन भी पढ़ेंगे समझेंगे तो
उसको आप आसानी से जो है वो बहुत अच्छे अंक जो है वो ले पाएंगे। तो हम बात करते हैं सबसे पहले जो आपका ये गद्य खंड है, जिसे का एक जो आलेख है वो निर्मल वर्मा का है, जिन्होंने लिखा है जहाँ कोई वापसी नहीं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस किताब में जो भी आपका फ्रंट पेज होता है, अगर आपके पास किताब होगी बेटे, तो उसमें एक चीज सबसे पहले बताई होती है पाठ्य पुस्तक के बारे में। कोई भी जो है उसको पढ़ना ही नहीं चाहता है, लेकिन आप लोगों ने कोशिश करनी है कि जो जितने लेसन हैं उनका सारांश जो है वो उस किताब के पहला ही जो पाठ्य पुस्तक के बारे में है वो एक छोटी सी इंट्रोडक्शन जो है वो वहां पर दी जाती है। आपने उस इंट्रोडक्शन को जरूर पढ़ना है, बिना यानी कि पहले स्टेप के आपने आगे सीधे ही लेसन पढ़ना शुरू नहीं करना है, आपने फर्स्ट स्टेप को पढ़ना है। मेरे पास जो किताब है इसमें आपके तीसरे पेज पर जो है वो बात की गई है कि निर्मल वर्मा का यात्रा वृत्तांत। यात्रा वृत्तांत क्या होता है? जब हम किसी यात्रा पर जाते हैं और ऐसी हमारी यादें होती हैं जिन्हें हम कहीं खो ना दें, तो हम उनको लिख कर सहेजते हैं, अपनी डायरी में संभालते हैं। और फिर क्या करते हैं कि जब कोई हम इस तरीके की कोई पुस्तक को प्रकाशित करते हैं या फिर हम अपने अखबारों के लिए अपना लेख भेजते हैं, तो हम इस तरीके के यात्रा संस्मरण जो है, यात्रा वृत्तांत जो है, वो भी हम न्यूज़पेपर्स मैगजीन्स के लिए भेज देते हैं। एक बात, दूसरी बात, आपने एक बात और याद रखनी है, कुछ होते हैं दूसरे संस्मरण। जैसे मान लो हम किसी से मिलते हैं, हमें उनको उनकी कही बातें अच्छी लगती हैं, तो हम उनको भी संस्मरण के तौर पर जो है वो लिखकर रख लेते हैं। तो पहली तो बात आपको ये आ गई कि निर्मल वर्मा जी हैं और उन्होंने कौन सा आलेख जो है, यात्रा वृत्तांत कौन सा लिखा है, अपना यात्रा का संस्मरण कौन सा लिखा है, वो लिखा है जहां कोई वापसी नहीं। अब इसमें ये बताया गया है कि इस पाठ में क्या बताया गया कि जैसे ही औद्योगिक विकास हुआ, तो वो विकास कैसे हुआ, हमने किस तरीके से विकास किया। कल वाले लेसन को ही मैं आगे थोड़ा सा कंटिन्यू भी कर रही हूँ कि जो कल बात कही थी कि आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं, आजकल हम लोग औद्योगिक विकास तो कर रहे हैं, हम बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना रहे हैं, हम बहुत बड़े सीमेंट कारखाने लगा रहे हैं, बहुत चीजें हम कर रहे हैं, परंतु किसकी नींव के ऊपर? प्राकृतिक विनाश की, यानी हम प्रकृति को ही जो है वो खत्म किए जा रहे हैं। अगर हम प्रकृति को खत्म करके औद्योगिक विकास कर रहे हैं तो उस चीज का कोई भी मायने जो है वो दिखाई नहीं देते। और हिमाचल जो है वो वैसे ही बहुत ही सुंदर हमारा प्रदेश है। अगर विकास की बात की जाए तो औद्योगिक विकास कहाँ होना चाहिए? औद्योगिक विकास वहां होना चाहिए जो हमारे क्षेत्र अभी तक विकसित नहीं है, जो हमारे चंगर क्षेत्र है वहां पर जो है, जहाँ की भूमि थोड़ी आपको लगता है मरुस्थल है, वहां पर ऐसे जो है वो उद्योग जो है वो वहां पर लगाए जा सकते हैं। तो वही बात जो है, वही चिंता जो है वो इसमें बताई गई है। साथ ही साथ एक और वो अपने आपके साथ बात साझी करते हैं, वो ये कहते हैं कि एक सबसे बड़ी बात है विस्थापन की। विस्थापन आपके पहले मन में दिमाग में पटल पे एक बात आनी चाहिए कि ये विस्थापन होता क्या है। विस्थापन का मतलब ये होता है कि क्या होता है कि जब मान लो कोई बाढ़ आ जाती है या कोई प्राकृतिक आपदा होती है या फिर वहां पर कोई उद्योग लगा दिया जाता है, वहां से गरीब लोगों को उठाकर किसी और जगह पर भेज दिया जाता है, उनको पैसे भी दे दिए जाते हैं, उनको बहुत सारी सहूलतें दी जाती है कि आपको हम पैसे दे रहे हैं, आप कहीं पर भी जाकर जो है वो रह सकते हैं। तो आप बताइए कि क्या वो व्यक्ति जो है वो वहां पर रह सकता है जिसकी भूमि, जन्मभूमि, जिसका बना बनाया घर जो है वो एकदम से क्या हो जाता है, जमीन के साथ जमींदोज हो जाता है, जमीन में मिल जाता है और उसको पैसे दे दिए जाते हैं कि आप वहां जाकर घर बनाएं। तो क्या वो घर तो बन जाएगा, लेकिन वो अपने कुटुंब के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने गांव वालों के साथ सदा के लिए जो है वो टूट जाता है। तो वो विस्थापन क्या होता है, जिनको आपने देखा होगा जो लोग झुकी झोंपड़ियों में रहते हैं, वो किस तरीके से, चाहे उनके वहां पर बहुत बड़े बड़े घर होंगे लेकिन हो सकता है कि उनको विस्थापित कर दिया गया है, उनको वहां से उठाकर कहीं और भेज दिया गया है। तो सारे लोग तो एक जगह विस्थापित होकर जा नहीं सकते, तो वो क्या करते हैं, वो टुकड़ियों में कुछ लोग एक तरफ चले जाते हैं, कुछ लोग जो है वो दूसरी तरफ चले जाते हैं। तो इस तरीके से
बस्तियों की बस्तियां, गांव के गांव जो हैं वो उजड़ जाते हैं। तो ये समस्या जो है वो इस अध्याय में बताई गई है। तो जब भी आप इस लेसन को पढ़ें तो आप इसको समझने की कोशिश करें। तो मैं आपको बीच बीच में जो है वो उदाहरण भी देती रहूंगी ताकि आपको लेसन जो है वो अच्छा लगे। अब इसमें आगे है कि लेखक की चिंता है कि औद्योगिक और विकास का मॉडल आयातित नहीं है, अपने देश की जरूरत के अनुसार हमें क्या करना चाहिए, हमें उद्योग लगाने चाहिए, लेकिन उद्योगों के साथ साथ हमें प्रकृति का भी जो है वो संभाल जो है संरक्षण जो है वो अति अधिक जरूरी है। इसके बाद मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि लेखक जो है, जैसे मान लो हमने कल की बात की, तो कल सिर्फ एक मालवा की बात नहीं थी, आज जब हम बात करेंगे सिंगरौली की बात करेंगे तो सिंगरौली की भी बात नहीं है, ये संपूर्ण समाज की चिंता है। सबसे बड़ी बात ये है। अब हम सबसे पहले मैं आपके साथ लेखक परिचय पे आ रही हूँ। ये है श्री निर्मल वर्मा जी। तो निर्मल वर्मा जी का जन्म जो है सन 1929 और मृत्यु 2005 में हुई। जब भी आपको कोई चीज समझाई जाती है हमेशा अपनी पेंसिल अपनी कॉपी आपके साथ होनी चाहिए बेटे। आप लोगों को पता है कि अगर हमने जीवन परिचय में 5-6 नंबर लेने हैं तो हमें कम से कम बेटे 10 पंक्तियां जो है वो लिखनी पड़ेंगी। तो 10 पंक्तियां लिखने के लिए बहुत रट्टा मारने की जीवन परिचय को कोई जरूरत नहीं होती। आपको जैसे मैं बता रही हूँ जीवन परिचय में कि जन्म कब हुआ मृत्यु कब हुई, एक लाइन आपकी ये बन जाती है। जन्म कहाँ हुआ, दूसरी लाइन आपकी ये बन जाती है। यानी कि आपकी पंक्तियां जो है वो अपने आप ही जुड़ती चली जाती हैं। और जब आपको मैं पढ़ा रही हूँ तो अपने माइंड को अपनी आंखों को बंद करें और 2-3 बार आप उसको जरूर एनालाइज करें, विश्लेषित करें, उस चीज को सोचें कि सच में निर्मल वर्मा का जन्म कब हुआ और मृत्यु कब हुई। तो जन्म जो है सन 1929 को हुआ और मृत्यु जो है सन 2005 को हुई। 1929-2005 निर्मल वर्मा। तो आप इस तरीके से जो है वो इसको आप याद रख सकते हैं। निर्मल वर्मा का जन्म, सबसे खुशी की बात यह है कि आपको, हमारे बच्चों को ये मालूम नहीं होता है कि हमारे हिमाचल के साहित्यकार कौन हैं, हमारे हिमाचल के कौन कौन लेखक लिखने वाले हैं। तो आपको ये जानकर बेहद खुशी होगी, आप लोग साहित्य के बच्चे हैं, हिंदी के बच्चे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे हिमाचल के कौन कौन ऐसे लेखक हैं जिनको हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात, हिमाचल के शिमला से हमारे निर्मल वर्मा जी थे, ये हिमाचल प्रदेश में ही इनका जन्म शिमला में हुआ। तो आपको कभी भी नहीं भूलेगा कि 1929 में पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, शिमला है, वहां पर पैदा हुए। और मृत्यु जो है वो 2005 में हुई। इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा प्रश्न और भी आपके दिमाग में मैं लाना चाहती हूँ कि अगर आप पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के आपने निबंध पढ़े होंगे तो उसमें भी आपको पता होना चाहिए कि पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी कहाँ से संबंध रखते थे। वो जिला कांगड़ा के गांव गुलेर से संबंध रखते थे और उन्होंने 39 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई थी। केवल मात्र उन्होंने 3 कहानियां लिखी, बहुत सारे निबंध भी लिखे, लेकिन उनकी 3 कहानियां जो थी वो बहुत मशहूर हुई जिसमें उसने कहा था थी। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जिनका आपने ध्यान रखना है कि आपको पता होना चाहिए कि हमारे हिमाचल के लेखक कौन कौन हैं। तो अब बात कर रहे थे हम निर्मल वर्मा जी की। तो निर्मल वर्मा जी का जन्म जो है वो हिमाचल प्रदेश के शिमला में हुआ था। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से सेंट स्टीफंस कॉलेज में से इतिहास में एमए किया। इतिहास में उन्होंने स्नातकोत्तर की उपाधि की। देखिए, लिख वो हिंदी में रहे हैं लेकिन उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किसमें की, स्नातकोत्तर किसमें किया, उन्होंने इतिहास में किया। तो आपके पास अपने, जब तक हम लेसन तक पहुंचेंगे आपको 10 बातें जो हैं वो आराम से निर्मल वर्मा जी की दिमाग में याद रहेगी। मुझे लगता है कि जब भी आपको समझाया जाता है तो जो बच्चा क्लास अटेंड कर रहा हो उसको सारी बातें जो है वो क्लास में ही समझ आ जाती है, बशर्ते वो ध्यान से पढ़ रहा हो। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि निर्मल वर्मा जी ने एमए में किसमें की, हिस्ट्री में की, इतिहास में की। कौन सा कॉलेज था उनका, दिल्ली विश्वविद्यालय का सेंट स्टीफंस कॉलेज।
फिर उसके बाद उन्होंने पढ़ाने का काम, अध्यापन का कार्य जो था वो शुरू किया। चेकोस्लोवाकिया में भी इन्होंने प्राच्य विद्या संस्थान प्राग के निमंत्रण पर 1959 में वहां पर जाकर इन्होंने चेक उपन्यासों और कहानियों का हिंदी उपन्यासों का अनुवाद किया। चेक उपन्यास मतलब छोटे छोटे उपन्यासों का इन्होंने अनुवाद किया। प्राच्य का मतलब ऐसे ग्रंथ जो हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं। आपको जब भी हिंदी में कोई शब्द आता है, कठिन शब्द आता है, उसको आप रेखांकित करते रहिए, उनको कोशिश करिए कि अगर ये शब्द है तो ये शब्द ऐसे नहीं लिया गया, इसका कुछ ना कुछ जो है अर्थ जो है वो जरूर होता है। तो आपने इस चीज को जो है वो समझने का प्रयास करना है। इसके बाद है निर्मल वर्मा को हिंदी के समान ही, ऐसा नहीं था कि उनको हिंदी ही पसंद थी, उनको अंग्रेजी के ऊपर भी समान मतलब बराबर का अधिकार जो था वो प्राप्त था, उनको दोनों ही भाषाएं अच्छी लगती थी। अब देखिए, पहले इतिहास की बात आई, फिर हिंदी की बात आई, और फिर किसकी बात आई इसमें, साथ ही साथ आपके अंग्रेजी की बात भी आ गई। उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया एक अखबार है, उसमें भी इन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स के लिए भी क्या किया कि यूरोप की सांस्कृतिक और राजनीतिक समस्याओं पर बहुत सारे आलेख जो थे, आलेख क्या होते हैं, लेख ऐसे बिंदु होते हैं जो आपको समाज पे कोई घटना आपको बुरी लगती है, जो आपको आह्लादित करती है, आपको दलित करती है, आपकी संवेदनाओं पर प्रहार करती है, तब हम जो है वो आलेख लिखते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने बहुत सारे निबंध और आलेख जो है वो लिखे। सन 1970 में क्या हुआ, वो भारत वापस लौट आए। ये कहाँ गए थे, यूरोप वगैरह में, इनकी वहां पर उनको कुछ कार्य के लिए जाना पड़ा कुछ समय के लिए, और उसके बाद ये फिर पुनः वापस भारत लौट आए और स्वतंत्र होकर लेखन कार्य करने लगे। आगे इसके बाद निर्मल वर्मा जी का मुख्य योगदान हिंदी कथा साहित्य के क्षेत्र में है। ये बहुत सारी कहानियां जो हैं इनकी आपको देखने को मिलेंगी। वे नई कहानी आंदोलन के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर माने जाते हैं। बेटे, मैं साथ साथ आप लोगों को बीच बीच में रोक रही हूँ क्योंकि आपके ये लेक्चर्स जो हैं वो बहुत कम हैं और मुझे लगता है कि आपको बहुत सारी चीजें जो हैं वो बताना जरूरी है। तो जब हम आधुनिक काल की बात करते हैं तो बेटे आधुनिक काल को चार हिस्सों में बांटा जाता है, जिसमें एक छायावाद आता है, एक प्रगतिवाद आता है, एक प्रयोगवाद आता है, फिर उसके बाद आधुनिक कविता आधुनिक कहानी आती है। यानी कि 1950 के बाद की मैं बात कर रही हूँ। तो इन्होंने किसके ऊपर लिखा, इन्होंने नई कहानी जो थी वो लिखी, जो सन 1950 के बाद जो थी वो लिखनी शुरू हुई। इसके बाद वे नई कहानी आंदोलन के सबसे महत्वपूर्ण हस्ताक्षर, बहुत बड़े व्यक्ति जो है वो माने जाते हैं। परिंदे, अब मैं इनकी रचनाएं बता रही हूँ। जब भी आपको जीवन परिचय लिखना होता है तो आपको हर लेखक की 4-5 रचनाएं उंगलियों के ऊपर होनी चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। जब भी आपका पेपर चेक होता है तो जन्म, मृत्यु, रचनाएं, ये सब चीजें जो है वो वहां पर देखी जाती हैं। तो इनकी रचनाएं क्या हैं, परिंदे, जलती झाड़ी, तीन एकांत, पिछली गर्मियों में, कव्वे और काला पानी, Thank you.
शर्त और नीति तथा कला का जोखिम और ढलान से उतरते हुए उनके निबंध संग्रह। अब निबंध संग्रह में भी आपको ये पता होता है निबंध होते क्या है, आप तो कक्षा छठी से लेकर अभी तक जो है वो निबंध लिखते हैं। निबंध में भी हम किसी न किसी समस्या का ही उजागर जो है वो उसे देखते हैं। इसके बाद आगे आता है जिसमें इन्होंने विविध विषयों का विवेचन किया है, सन 1985 में कवे और काला पानी। ये आप लोग याद रख रहे हैं कि निर्मल वर्मा जी की कवे और काला पानी पर उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। देखिए साहित्य में राष्ट्र स्तर का जो सबसे बड़ा पुरस्कार होता है वो साहित्य अकादमी पुरस्कार होता है। हर प्रदेश की अपनी अलग अलग अकेडमी होती है, जैसे हिमाचल की अकेडमी अलग होगी, पंजाब की अकेडमी अलग होगी और नेशनल लेवल के ऊपर सबसे बड़ी अकेडमी होती है। और जो लोग साहित्य के लिए कार्य करते हैं उनको तो जाता है, उनको वहां पर जाकर पहले प्रदेश सरकार जो है वो स्थापित करती है, फिर उसके बाद जो राज्य सरकार के बाद देश वाले जो है वो वहां पर स्थापित करते हैं। सबसे बड़ा पुरस्कार जो है वो साहित्य अकेडमी वो होता है। तो आपने देखा होगा जितने भी आपको सिलेबस में अगर देखा जाए तो आपको जितने यहाँ पर राइटर्स दिए गए हैं वो सभी के सभी जो है उनको जरूर साहित्य अकेडमी पुरस्कार जो है वो मिला होता है। अकेडमी का काम क्या होता है, उस प्रदेश की और उस देश की संस्कृति को साहित्य को बचाना पोषित करना और आगे आने वाली संरक्षित। इस तरीके से उन्हें इसके अतिरिक्त अन्य पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। सबसे पहले आपको बताया कवे और काला पानी, जिसके लिए उन्हें साहित्य अकेडमी का पुरस्कार था। उन्होंने कहानियां भी लिखी, उन्होंने उपन्यास भी लिखे और साथ-साथ उन्होंने निबंध भी लिखे, उन्होंने यात्रा संस्करण भी लिखे। अब बात आती है किसी भी लेखक की, तो वहां पर भाषा शैली, भाषा शैली की अगर बात करें तो उनकी जो भाषा शैली है वो तो बहुत ही अच्छे तरीके से कसी हुई भाषा है। भाषा कैसी है उनकी, कसावट वाली है, अनोखी कसावट है, जो विचार को गहनता को विविध उदाहरणों से रोचक बनाती है। कहते हैं कि अगर आप उनके यात्रा वृत्तांत भी पढ़ रहे होंगे, आप उनके संस्करण भी पढ़ रहे होंगे, लेकिन उन्होंने उन बातों को बड़े ही रोचक तरीके से आने के तरीके से लोगों के दिमाग बदलाने की कोशिश की है। इसके बाद शब्द चयन में जटिलता ना होते हुए, बहुत बड़े लेखक हो और शब्द बहुत ही कठिन हो जो बच्चों के समझ में ना आए तो उसका कोई भी फायदा नहीं होता। तो अब यहाँ पर बात की जाती है कि जितना आपके यहाँ पर सिलेबस है उस सिलेबस में जटिलता की बात की नहीं होती है। कोई भी जटिल विषय जो है या जटिल भाषा का, कठिन भाषा का प्रयोग नहीं किया गया है, आम बोलचाल की भाषा में उन्होंने बात रखी है। आगे इसके साथ साथ उनकी काव्य रचना में मिश्र और संयुक्त वाक्यों की प्रधानता है। उन्होंने आसपास की जो बोलियां हैं उनके भी शब्दों को या है उनको मिश्रित करके जो है वो रखा है। स्थान स्थान पर उन्होंने उर्दू अंग्रेजी और सभी भाषाओं को अपने अपने जहां जहां उनको जिस जिस शब्द की जरूरत लगी वहां वहां पर उन्होंने उसको जिससे उनकी भाषा शैली में अनेक नवीन प्रयोगों की झलक मिलती है। तो मुझे लगता है कि अगर ये आपका 5 नंबर का प्रश्न होगा तो आपको कम से कम जो है वो 5 लाइनें जो है वो निर्मल वर्मा जी के लेखक के विषय के में पता चल चुकी होंगी कि वो किस व्यक्तित्व के मालिक थे। तो जब तक आप किसी के व्यक्तित्व को नहीं समझेंगे आप उसके आगे उनके साहित्य को भी नहीं समझेंगे। तो आपने लेखक परिचय को याद कर लेना है, आज एक कप में जाकर घर में पढ़ना है तो आपको समझ आ जाएगा। अब हम चलते हैं लेसन की तरफ और दूसरी बात आपको एक और बताऊं, आपको छोटे छोटे मैं टिप्स देना चाहती हूँ कि आप करें ना, तो उसमें आपकी जो ये किताब है जब लेखक परिचय है तो उसके लास्ट में 6-7 पंक्तियां जो है वो लिखी होंगी, आप उन्हें नजर मार सकते हैं। वो रेड कलर से लाल रंग से गुलाबी रंग से उन्होंने उसको हाईलाइट किया है, तो वो उस किताब का उस लेसन का सारांश है। कविताओं में भी ऐसे ही सारांश दिए गए हैं, आपको कोई गाइड की जरूरत नहीं है।
आपकी गाइड्स आपकी किताबें हैं, हर कविता से और कहानी से आप देखेंगे, तो कविता कहानी लिखते हैं उससे पहले सारांश उस कविता या कहानी का ऑलरेडी दिया गया है आपकी किताब में। तो वहां पर मैं वहीं से ही आपको समझा रही हूँ, कोई हेल्प बुक नहीं है मेरे पास, तो उस किताब में ही क्या लिखा गया है जो निचोड़ है। पर ये निचोड़ जब आप गद्यांश आपको आएगा व्याख्या के लिए, तो वहां पर भी आप ये लाइनें जो है वो कोट कर सकते हैं। आप लोग काव्य खंड पकड़ते हैं, कविताएं करते हैं, तो कविताओं में जो प्रसंग लिखा जाता है, तो आप अपनी किताब के जो पहली कविता है उसके जो नीचे जो सारांश उस कविता का लिखा है, वहीं से ही वो पंक्तियां आप उठा लें और उनको ही कोट करें, तो आपके बहुत अच्छे नंबर जो है वो आ सकते हैं। तो जहां कोई वापसी नहीं, मैं यात्रा वृत्तांत शुरू करने से पहले तो किताब में सारांश है वही आपको मैं पहले समझा रही हूँ, फिर उसके बाद हम लेसन पर करेंगे। अब उन्होंने एक किताब लिखी, संग्रह लिखा, तो नाम था उसका धुंध से उसकी धुन, धुंध से उसकी धुन। एक संग्रह है निर्मल वर्मा जी का, उसमें से एक जो यात्रा वृत्तांत है जहां कोई वापसी नहीं लिया गया है। पहली बात ये, किताब कौन सी है उनकी, धुंध से उसकी धुन, कौन सा लेख लिया गया है उसमें से, कौन सा यात्रा वृत्तांत लिया गया है उसमें से जहां कोई वापसी नहीं। तो जब आप प्रसंग में लिखेंगे कि प्रदत्त व्याख्या प्रदत्त पंक्तियां हमारे गद्यांश की जो पुस्तक अंतरा है जिसके लेखक जो है वो निर्मल वर्मा जी हैं, उनका लिखा हुआ यात्रा वृत्तांत धुन से उसकी धुन में से दिया गया है जहां कोई वापसी नहीं, तो जो पेपर चेक करने वाला है उनको एकदम से लगेगा कि बच्चे जो हैं उनको इतनी सी बात जो है पता है कि ये कहां से लिया गया है, धुन से उसकी धुन किताब जो है, संग्रह जो है निर्मल वर्मा का, उसमें से लिया गया है। तो आपका एक इम्प्रेशन जो है, आपका एक प्रभाव जो है वो आपके पेपर का अपने आप ही बढ़ता चला जाएगा। तो उसका संग्रह में से ये निबंध आपका जो है वो लिया गया है आलेख, उसमें लेखक ने क्या बताया है, पर्यावरण संबंधी सरोकारों को ही नहीं, विकास के नाम पर किस तरीके से पर्यावरण का हम विनाश कर रहे हैं, किस तरीके से अन्य समस्याएं जो हैं जो उपज रही हैं, चाहे वो पर्यावरण है चाहे वो विस्थापन है, उस सब का वर्णन जो है, उस दुख का वर्णन जो है वो इस लेख में किया गया है। एक तो पर्यावरण की समस्या है, दूसरी विस्थापन की समस्या है। लेखक का ये मानना है कि अंधाधुंध विकास और पर्यावरण संबंधी सुरक्षा के बीच में संतुलन होना चाहिए। मैंने आपको पहले ही समझा दिया लेसन पे कि एक बैलेंस, अगर हम औद्योगिक विकास कर रहे हैं, हम और तरीके से विकसित हो रहे हैं, लेकिन हमें एक बैलेंस जो है अपनी प्रकृति के साथ जो है संतुलन जो है वो बनाए रखना है। लेखक ये बात जो है वो कहते हैं, और वो ये कहते हैं कि अगर हम लोग इस चीज का ध्यान नहीं रखेंगे तो हम हमेशा के लिए विस्थापन और पर्यावरण की नई नई समस्याओं को जन्म देते रहेंगे, और मनुष्य अपने आसपास के समाज से भी टूट जाएगा, अपनी संस्कृति से भी टूट चला जाएगा, हर व्यक्ति को विस्थापित होने का जीवन जो है वो, विस्थापित व्यक्ति का जीवन जो है वो कहीं अन्य शहर में जाकर रहने की ना पड़ेगा। औद्योगिक विकास के दौर में हम क्या कर रहे हैं, प्रकृति का जो सौंदर्य है उसको नष्ट कर रहे हैं। इसका मार्मिक चित्र, मार्मिक मत जो हमारे दिल को जो है वो उद्वेलित कर देता है, दुख देता है, तो वो मार्मिक वर्णन जो है वो इस अध्याय में किया गया है। ये की अनेक समस्याओं का विद्यार्थी प्रस्तुत करता है, इसको भी बताता है कि आधुनिक औद्योगिकरण की आंधी चलती, सिर्फ मनुष्य ने ही उखड़ता अपितु
उसके साथ साथ उसका परिवेश, उसकी संस्कृति और उसका आवास स्थल जो है वो हमेशा के लिए छूट जाता है। तो ये सब चीजें जो है वो लेसन से पहले आपको बता दी गई हैं, और मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा वक्त आपका मैं और लूंगी और आपको जल्दी जल्दी जो है वो मैं लेसन भी समझाती जाऊंगी। अगर आपकी किताबें होंगी तो आप अपनी किताबें खोलकर अपने साथ रखें। अब घटना जो है वो सिंगरौली की चलती है। कल हमने मालवा की बात की थी, आज हम सिंगरौली की बात करते हैं। और सिंगरौली में सन 1983 में निर्मल वर्मा जी जाते हैं और वहां पर जाकर वो क्या क्या देखते हैं, कैसी कैसी वो तुलना करते हैं, उसका सारा वर्णन एक कहानी की तरह यहाँ पर बताया गया है। वो कहते हैं कि धान रोपने का महीना था। कौन सा? आपको पता है जुलाई में किस तरीके से धान रोपे जाते हैं, तो जुलाई के अंत का महीना था और बारिशें बरसातों के बाद खेतों में पानी जमा होता है। कहाँ जा रहे हैं वो? सिंगरौली की बात करते हैं, 1983 की बात करते हैं। पर वो ये कहते हैं कि ये महीना कहानी बात जो है वो कहाँ से शुरू होती है। वो ये कहते हैं कि ये महीना कौन सा होता है? बारिशों का महीना होता है, धान रोपने का महीना होता है खेतों में। और हम उस दोपहरी में सिंगरौली के एक क्षेत्र कहाँ आते हैं? नवागांव आते हैं। कहाँ पर? पहली बात निर्मल वर्मा जी सिंगरौली की बात करते हैं। कौन से गांव की बात करते हैं? नवागांव की बात करते हैं। इस क्षेत्र की कहते हैं नवागांव की आबादी जो है वो 50,000 से ऊपर है। और 50,000 तो आबादी है ना उस जगह की, लेकिन उसके छोटे छोटे 18 गांव भी शामिल हैं। इन्हीं गांवों में एक नाम है अमझर। आपका पहला ही प्रश्न जो है वो यही आता है कि अमझर है क्या, अमझर बोलते किसको है, वहां होता क्या है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो क्या कहते हैं कि सिंगरौली का एक क्षेत्र नवा गांव है, जहाँ की आबादी कितनी है? 50,000 है। और वहां पर छोटे छोटे 18 गांव हैं, उन्हीं में से एक गांव का नाम अमझर है। अमझर क्यों पड़ा नाम? आम से, ऐसा गांव जो आम के पेड़ों से घिरा हुआ है। तो आपका पहला ही सवाल यहीं पर ही हल हो जाता है कि ऐसा गांव अमझर जहाँ पर आम झड़ते हैं, जो आमों के पेड़ों से घिरा रहता है, उसे अमझर कहते हैं। किंतु कहते हैं निर्मल वर्मा जी कि पिछले 2-3 सालों से क्या हुआ कि आमों के ऊपर बड़ा सूनापन आ गया, बड़ा दुख आ गया। और अब क्या होता है कि वहां पर कोई भी फल जो है वो नहीं लगता और न ही कोई आम जो है वो ऊपर से नीचे गिरता है, झड़ता है। वो कहते हैं कि मैंने कारण पूछने की कोशिश की लोगों से कि भाई ये क्या हुआ कि ये आम इतने उदास क्यों है। तो उन्होंने कहा कि जब से सरकार ने ये घोषणा कर दी है कि अमरौली का एक प्रोजेक्ट लगेगा और उस प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो आसपास के जितने गांव हैं वो उजाड़ दिए जाएंगे, तब से न जाने आम के पेड़ जो हैं वो अपने आप ही सूखने लगे हैं, इसलिए सारे के सारे पेड़ जो है वो उदास हो गए हैं। अब वो कहते हैं कि पेड़ क्या कहते हैं? आदमी उजड़ेगा तो फिर पेड़ वहां पर रहकर क्या करेंगे, वो भी उजड़ जाएंगे। तो कहते हैं आदमी उजड़ेगा तो पेड़ जीवित रहकर क्या करेंगे। तो ये इस तरीके से बात जो है वो शुरू होती है। अब वो उदाहरण देते हैं गढ़वाल की, टिहरी गढ़वाल की, कि वहां पर क्या हुआ कि वहां पर भी ऐसे होने लगा। सरकारी फरमान आया और कहा गया कि पेड़ों को काट दिया जाएगा। तो लोग जो थे वो इतने जागरूक थे कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने पेड़ों को अपने साथ खिसका लिया, पेड़ों के गले लग गए, अपनी बाहों में उनको रख लिया और ये कहा कि पहली आरी जो है वो हम पर चलेगी, उसके बाद जो है वो आप पेड़ काट सकेंगे, अन्यथा आप पेड़ नहीं काट सकेंगे। तो उसी की बात जो है वो यहाँ पर की जाती है कि टिहरी गढ़वाल में पेड़ों को बचाने के लिए आदमी के संघर्ष की कहानियां निर्मल वर्मा जी कहते हैं मैंने तो बड़ी सुनी थी, लेकिन जब मैंने आज अपने ही यहाँ पर समझ
के जो लगे हुए आम हैं गांव के, जो उन पेड़ों की जब मैंने स्थिति देखी कि वो अपने आप ही सूखने लग पड़े, तो मुझे लग गया पता कि सच में प्रकृति जो है वो किस तरीके से दुखी हो जाती है। तो कहते हैं कि अब ये वाले जो पेड़ हैं ये भी क्या कर रहे हैं, मूक सत्याग्रह कर रहे हैं, अपना जो है वो दुख जो है वो बता रहे हैं। इसका विचित्र अनुभव कहते हैं मुझे सिंगरौली में हुआ। इसके बाद वो कहते हैं अब मेरे लिए इस दृष्टि से दूसरा एक और अनुभव भी था, अनूठा अनुभव था, कि लोग अपने गांवों से विस्थापित होकर कैसे अनाथों की जिंदगी बिताते हैं, कैसे उन्मूलित जीवन जीते हैं। अब आप लोग अपने आप सोचिए कि अगर हमें कोई कहता है, हमारे गांव की बात करता है या शहर की बात करता है, और ये कहते हैं कि आप यहाँ से उठकर चले जाएं, तो आपको लगेगा कि मेरे रिश्तेदार भी रह गए और मेरे दोस्त भी यहीं पर जो है वो सारे के सारे बिखर गए। तो एक अलग सा दुख जो है वो होता है। तो वो कहते हैं कि जब भी मैं अपने बड़े बड़े शहरों के गिर्द जो है झुग्गी झोपड़ियों को देखता हूँ, गरीबों की बस्तियों को देखता हूँ, तो मुझे एकदम से याद आता है कि अरे ये तो वही विस्थापित लोग हैं जिन्हें अपनी जगहों से उठाकर भेज दिया गया है और इन्हें मजबूर होकर झुग्गी झोपड़ियों में अपना जीवन जो है वो बसर करना पड़ रहा है। आप लोग जाते होंगे ट्रेन से, कहीं जाते होंगे तो आप देखते होंगे कि ट्रेन के किनारे पे झुग्गी झोपड़ियां लगी हैं, या फिर कहीं पर भी आप अपने शहरों में देखते हैं तो वहां पर भी कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई झुग्गी जो है वो दिखाई दे जाती है। तब आप हो सकते हैं कि ये वो लोग हैं, ये सब विस्थापित लोग हैं जिन्हें उनकी जगहों से उठना पड़ा है, चाहे उनको सरकारी घोषणाओं के कारण महाउद्योग लग गए हैं उसके कारण, या फिर रोजी रोटी के कारण, तो बहुत सारे कारण जो है वो हो जाते हैं। तो वो ये कहते हैं निर्मल वर्मा जी कि मेरे लिए ये एक अलग सा अनुभव था, लोग अपने गांवों से विस्थापित होकर कैसे अनाथों की उन्मूलित मतलब जड़ों से उन्मूलित मतलब उखड़ जाना ऐसा जीवन जो है वो बिताते हैं। ये मैंने हिंदुस्तानी शहरों के बीच में बसी हुई मजदूरों की गंदी दम घुटती यावे बस्तियों और स्लम एरियाज में देखी है। आपने देखा होगा स्लम एरियाज में क्या होता है, कई बार जो है वो आपको नाक बंद करना पड़ता है, तो उन लोगों की बेबसी देखिए आप, कि वो कितने बेबस हैं, कितने लाचार हैं, कि उन्हें वैसा जीवन जो है वो जीना पड़ रहा है। वो कहते हैं किंतु विस्थापन से पूरा वे कैसे परिवेश में जीते होंगे, थोड़ी अच्छी जिंदगी जरूर बिताते होंगे। इसका दृश्य अपने स्वच्छ पवित्र खुलेपन में पहली बार मैंने अंतर गांव में देखा। पेड़ों के घने झुरमुट थे, साफ सुथरे खप्पर लगे मिट्टी के घर थे। आपने देखा होगा गांव में पहले पुराने घर होते थे और उनके ऊपर खपरैल जिसको आप बोलते हैं अपनी हमावली में, तो खपरैलों के घर होते थे। तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ खपरैल के घर हिमाचल में ही थे, वो सिंगरौली में भी अंतर गांव में होते थे। मिट्टी के झोंपड़े थे और सारी तरफ पानी ही पानी था। कहते हम लोग कैसे जा रहे थे, हम एक मोटर में बैठकर राजदीप सड़क से जा रहे थे, हमारे इस तरफ भी पानी था और इस तरफ भी पानी था, और पानी के बीच बीच में वो क्या थे, खेत थे, उस खेतों में पानी भरा था और बीच बीच में झोपड़ियां थी, तो ऐसे लग रहा था जैसे मानो झोपड़ियां पानी के बीच में है, लेकिन झोपड़ियां पानी के बीच में नहीं थी, खेत जो थे वो इस तरीके से उस झोपड़ी के आसपास थे और वो खेत जो थे वो पानी से भरे हुए थे। तो ये कहते हैं वो, और कहते अगर मोटर रोड की भागती बस की खिड़की से देखो तो ऐसा लगता है जैसे पूरी जमीन जो है वो एक झील बन गई हो। वो कैसे जा रहे थे, बस से जा रहे थे और उनको ये लग रहा था कि मैं एक झील के बीच से सड़क से उस मोटर के ऊपर चला जा रहा हूँ, और एक अंतहीन सरोवर, उसके अंदर पेड़ भी डूबे हुए थे, झोपड़े भी डूबे हुए थे, आदमी भी डूबे हुए थे, वो जंगल आधे आधे पानी में थे और आधे आधे पानी के ऊपर। अब आप देखिए एक लेखक जो है वो कितनी गहन दृष्टि से वो कह रहे थे, उनका प्रतिबिंब जो है
वो आधा पानी में था और आधा पानी से ऊपर। तो किस तरीके से ये चीज आप तभी फील कर सकते हैं, तभी अनुभव कर सकते हैं जब आप उस लेखक के लिखे हुए को अंदर से दिल से पढ़ रहे होंगे। तो वो ये कहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मानो सारी की सारी चीजें जो है वो पानी के अंदर डूबी हुई हो। कहते हैं किंतु ये बरहम है, ये बाढ़ नहीं है, जो मैंने आपको बात पहले ही समझा दी, ये बाढ़ नहीं है, ये तो पानी में डूबे हुए खेत हैं धानों के। अगर हम कहते हैं थोड़ी सी और हिम्मत बटोरते हैं और गांव के भीतर की तरफ चलते हैं, तब औरतें दिखाई देंगी। और आपने देखा होगा कि जिस समय धान लगाए जाते हैं तो सब औरतें जब लाइन में खड़ी होती है और लाइन में ही नीचे झुक जाती है, पंक्ति की पंक्ति झुक जाती है। तो वो कहते हैं कि ये सब औरतें कैसी लग रही हैं, पांच में झुकी हुई धान के पौधे पर सब सब करके धानों को रोक रही हैं। सुंदर कैसी हैं ये औरतें, सुंदर हैं, सुडौल हैं, और धूप में इनकी टांगे कैसी हैं, अब उन्होंने अपनी टांगे अपने फोल्ड किए हुए हैं अपने कपड़े। तो वो कहते हैं कि उनके उनकी टांगे कैसी हैं, काली टांगे हैं, जो धूप में क्या कर रही है, चमचमा रही है, और सिरों पर क्या किया है, धूप ना लग जाए इसलिए लंबी लंबी चटाई नुमा जो है वो टोप जैसे जो है वो बनाए हुए हैं, लगाए हुए हैं, किश्ती नुमा है जो है वो लगाए हैं, जो आपने फोटो में देखा है, देखे होंगे या फिर फिल्मों में देखे होंगे, वियतनामी या आपको चीनी औरतों की भी याद दिलाएंगे। जरा सी आहट पाती है वो औरतें, और अब मान लो आप कुछ काम कर रहे हो, आपको लगता है कि हमारे गांव में कोई अनजान लोग आ गए हैं, आप एकदम से जो है वो अपना सर उठाकर यहाँ से वहां देखने लगते हैं। तो वैसे ही वो औरतें जो धान रोक रही थी, जैसे ही उन्होंने निर्मल वर्मा जी को देखा, वो फटाफट उन्होंने सिर उठाकर चौंकी हुई नजरों से देखने लगी। बिल्कुल वैसे लग रही थी जैसे सुंदर युवा हिरणियां होती है। हिरणिया मतलब हिरन, आपने देखे होंगे जो उनकी युवा हिरनियां होती हैं, जो फीमेल होती हैं, मादा होती हैं। तो वो कहते हैं जैसे वो एकदम से, आपने देखा है कि जब हिरन के पास जाओ तो एकदम से डर जाता है, तो ये महिलाएं जो थी वो भी अचानक एकदम से डर गई, जिन्हें मैंने एक बार कान्हा के साथ वन्य स्थल में देखा था। अब वो कहते हैं जब मैं श्री कृष्ण की कहानियां या वो सुनता हूँ या मैं देखता हूँ तो मुझे वो सब हिरनियां जो है वो याद आ जाती है, किंतु वे डरती नहीं, भागती नहीं, वो मुस्कुराती हैं। कौन? वो महिलाएं जो धान रोप रही थी, वो हिरणियों की तरह डरती नहीं है, वो लेखक को देखकर मुस्कुराने लगती हैं और फिर सिर झुकाकर अपने काम में डूब जाती हैं। और ये सारा ही दृश्य कहते हैं बहुत साफ और सजीव है। सजीव मतलब जीता जागता। अब अगर आपको मैं समझा रही हूँ और आप उससे कुछ समझ रहे हैं तो वो अपने आप आपको अपने मन में जो है वो उसकी छवि बना लेते हैं। तो वही उस चीज की सजीवता है, उसकी चेतनता है। तो वही वो कहते हैं कि इस तरीके से सारा का सारा जो है वो यूं लगता है कि प्रकृति जो है, लोग जो है वो सब जीवन हो जाते हैं अपनी स्वच्छ मात्रता से, इतना संपूर्ण और शाश्वत। कहते हैं चाहे उनकी टांगे नंगी हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई उसमें अश्लीलता नहीं लगती है, कोई उसमें मांसलता नहीं लगती है, बहुत ही सुंदर लगती है। वो उस नजरिए की बात करते हैं जो नजर के ऊपर निर्भर करता है। वो कहते हैं एक क्षण के लिए विश्वास नहीं होता कि आने वाले समय में ये सब गांव मिट्टी में मिल जाएंगे। एक प्रोजेक्ट जो है वो वहां पर लगाया जा रहा है। वो कहते हैं आज ये महिला इतनी खुश है, इतना काम कर रही है, इनको क्या पता कि आने वाले समय में इनको यहाँ से उठाया जा रहा है। जब आप लेसन के एंड में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि लेखक को एक रिपोर्ट बनाने के लिए जो है वो सिंगरौली भेजा जाता है। तो अब अंत में जो है वो अपने आप आपको क्लियर होता चला जाएगा। आगे चलते हैं कि बहुत सारी झोपड़े हैं, बहुत खेत हैं, जानवर हैं, आमों के पेड़ हैं, सब किसमें बदल जाएंगे आने वाले समय में, एक गंदी बस्ती में बदल जाएंगे।
ये लोग सारे उठ के कहाँ चले जाएंगे, विस्थापित होकर ऐसी जगहों पर चले जाएंगे, आधुनिक औद्योगिक कॉलोनी की ईंटों के नीचे सबका सब खत्म हो जाएगा, दब जाएगा। और ये हंसती हुई मुस्कुराती हुई औरतें भोपाल, जबलपुर या भैड़न की सड़कों पर पत्थर तोड़ती दिखाई देंगी, कूदती दिखाई देंगी। शायद कुछ सालों तक उनकी स्मृति में वो गांव की तस्वीर एक सपने की तरह रहेगी, और उनके झूल में लौटने वाले बच्चों को कभी मालूम नहीं होगा कि बहुत पहले उनके पुरखों का गांव था जो ढह गया। अब इसमें आप देखिए, आपको ये बात मैं क्लियर करना चाहूंगी, थोड़ा सा समझिए आप कि जो लोग जिस समय उठा दिए जाएंगे तो क्या होगा कि वो महिलाएं जो एक पीढ़ी है वो जब यहाँ से दूसरी जगह विस्थापित होकर चली जाएगी तो उनको कुछ समय के लिए तो याद रहेगी कि वहां हमारा अंतर गांव था, ठीक है। लेकिन जो छोटे छोटे उनके बच्चे होंगे उनको तो याद भी नहीं होगा कि हमारा कोई गांव था, उनको वो गंदी बस्ती थी, अपना गांव जो है वो लगे थी। तो इसमें लेखक जो है वो बहुत इस बात से चिंतित होते हैं, बहुत व्यथित होते हैं, बहुत दुखी होते हैं कि एक टाइम तक तो ये याद के तौर पर गांव रहेगा, पर कुछ समय के बाद ये जो हमारा मानस पटल है, ये जो हमारा दिमाग है, इसमें जो स्मृतियां हैं वो भी एक पीढ़ी के बाद खत्म हो जाएंगी। और ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं, जो धूल यानी कि ऐसी गंदी बस्तियों में पैदा हुए हैं, वो लोग उसी को ही अपना जो है वो गांव समझेंगे। तो ये जो है वो सबसे बड़ी चिंता का विषय है। इसके बाद अगला प्रश्न भी मैं आपको क्वेश्चन आंसर नहीं करवाऊंगी, क्योंकि मुझे विश्वास है कि आपको मैंने लेसन इतनी अच्छी तरह समझा दिया है कि आप अपने आप क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट करेंगे। तो अगला प्रश्न जो है वो आपकी ही किताब में से है कि आधुनिक भारत के शरणार्थी किन्हें कहा जाता है। ये भी आपका एक सवाल जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है इस लेसन में। तो आप ध्यान से सुनिए कि ये लोग जो लोग विस्थापित हैं, जिन्हें औद्योगिक विकास के कारण यहाँ से वहां उठाकर भेज दिया गया है, गंदी बस्तियों में वो लोग चले गए हैं, इन्हें ही आजकल आधुनिक भारत के नए शरणार्थी कहा जाता है। तो आपने डरना नहीं है कि आधुनिक शरणार्थी कौन आ गए, अरे भी इनको जो विस्थापित लोग हैं इन्हीं को ही आधुनिक भारत के नए शरणार्थी जो है वो बोला गया है। ये लोग आधुनिक भारत के शरणार्थी हैं, नए शरणार्थी हैं, जिन्हें किसने उठाकर फेंक दिया है, जिन्हें औद्योगिकीकरण के तूफान ने, झंझावात ने, आंधी ने अपनी घर से और जमीन से उखाड़ कर हमेशा के लिए फेंक दिया है, निर्वासित कर दिया है, उठा दिया है, विस्थापित कर दिया है। आपको मैंने एक ही शब्द से कितने शब्द जो है वो बता दिए हैं। तो आप लोग जो है इन चीजों को समझें, और जितने आप अपने शब्दों का प्रयोग ज्यादा करेंगे उतना ही आपका उत्तर जो है वो प्रभावित बनेगा। आप ध्यान रखें कि आधुनिक भारत के शरणार्थी किनको कहा गया है, उन्हें कहा गया है, उन विस्थापित लोगों को कहा गया है जिन्हें औद्योगिकीकरण के तूफानों से, झंझावातों से, आंधी से, अपनी जमीन से, घर से उखाड़कर हमेशा के लिए निर्वासित कर दिया गया। प्रकृति और इतिहास के बीच ये ही सबसे बड़ा गहरा अंतर है। बाढ़ या भूकंप के कारण, देखिए अगर बाढ़ आती है, भूकंप आता है, तो क्या होता है, लोग कुछ समय के लिए उठ के दूसरी जगह चले जाते हैं, और जब बाढ़ आकर निकल जाती है, भूकंप के बाद सब स्थिर हो जाता है, तो वो फिर वापिस अपने गाँव पर लौट आते हैं। ठीक है, मेरी बात समझ गए आप। ठीक, कहने का मतलब है बाढ़ आएगी, भूकंप आएगा, उस समय के लिए हम अपना गांव छोड़ के दूसरे गांव में चले जाते हैं, और फिर जब सारी चीजें स्थिर हो जाती है, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, तो हम फिर वापस अपने गांव में लौट आते हैं। लेकिन जिस समय औद्योगिक विकास का पहिया चलता है, जब आदमी को उठाकर दूसरी जगह भेज दिया जाता है, तो वो फिर लौट कर
छोड़कर वापस नहीं आता। कहते हैं कि क्या होता है कि अगर लोग बाढ़ या भूकंप के कारण लोग अपना घर बार छोड़कर कुछ समय के लिए जरूर बाहर चले जाते हैं, लेकिन जब वो आफत चल जाती है तो वो दोबारा अपने परिवेश में अपने गांव में वापस लौट आते हैं। किंतु विकास और प्रगति के नाम पर जब इतिहास की अगर हम बात करें, लोगों को जितनी बार उठाया जाता है तो लोग फिर कभी भी वापस नहीं आ पाते, चाहे वो कितनी भी कोशिश कर लें वो वापस नहीं आ पाते, वे फिर कभी अपने घर लौट नहीं पाते। आधुनिक औद्योगिकीकरण की आंधी में सिर्फ, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप जरूर अपनी किताब पर अंडरलाइन करें, जब आप प्रश्न का उत्तर लिखते हैं तो ऐसी ऐसी लाइनें जरूर कोट करें कि आधुनिक औद्योगिकीकरण की आंधी में सिर्फ मनुष्य ही नहीं उजड़ता बल्कि उसका परिवेश, उसका आवास स्थल हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। तो देखिए, जब आपका 4 नंबर का प्रश्न आपको आता है तो आपका उत्तर कितने का होना चाहिए, कम से कम 7-8 लाइन का। जितने नंबर का क्वेश्चन है सीधा आप लाइनों को दुगना तिगुना कर दें, लेकिन इतना भी लंबा ना कर दें कि आपका पेपर हिंदी का जो है वो छूट जाए। इसके बाद नेक्स्ट आगे कहते हैं, एक भरे पूरे ग्रामीण अंचल को कितनी नासमझी से, कितनी निर्ममता से उजाड़ देते हैं हम। सिंगरौली का उदाहरण सबसे ज्वलंत, मतलब देखा हुआ एक उदाहरण है कि किस तरीके से आज वो एक गांव कितना समृद्ध है और आने वाले उस गांव को जो है वो हम विस्थापित कर रहे हैं, लोगों को उजाड़ रहे हैं। अगर ये इलाका, वही बात जो मैंने आपको लेसन के शुरू में बताई, अगर डेवलपमेंट करनी है, किसी का विकास करना है, तो ऐसी जगहों पर विकास किया जाए जहां पर पहले से उजाड़ हो, रेगिस्तान हो। अगर ये इलाका उजाड़ रेगिस्तान होता तो शायद इतना क्षोभ, इतना गुस्सा, इतना आक्रोश, इतना दुख नहीं होता। किंतु अफसोस की बात यह है कि सिंगरौली की भूमि कैसी है, बड़ी उर्वर है, बहुत उपजाऊ है, बड़ी इसमें उर्वरा है, जंगल इसके बहुत समृद्ध हैं, जिनको हम वनस्पतियां कहते हैं वो जंगल वहां के बहुत समृद्ध हैं, उनके सहारे शताब्दियों तक हजारों वनवासी और किसान अपना भरण पोषण करते आए हैं। कहते हैं सिंगरौली के जो लोग हैं, अगर ये बाहर कमाने ना भी जाए तो इनको यहीं पर ही इनका पेट जो है वो आसानी से भर जाता था। फिर 1926 में कहते हैं यहाँ पर सबसे पहले कौन सी जाति आई, खैरवार जाति आई, और उन्हीं के आदिवासी राजा ने सिंगरौली के ऊपर राज किया, शासन किया। बाद में सिंगरौली का आधा हिस्सा किसमें चला गया, उत्तर प्रदेश में चला गया और आधा मध्य प्रदेश में। आपको पता होना चाहिए सन 1983 की बात चल रही है, सिंगरौली की बात चल रही है, आज सिंगरौली आधा मध्य प्रदेश में है और आधा उत्तर प्रदेश में है। रीवा राज्य के भीतर इसे शामिल कर लिया गया 20 वर्ष पहले। कहते हैं कि इतना घना जंगल होता था कि वहां से बहुत सारी चीजें निकलती थी, कत्था निकलता था, महुआ निकलता था, बांस निकलता था और बड़े बड़े शीशम के पेड़ उगते थे। हम कहते हैं ना कि वन जो है वो हमारी संपत्ति है, प्रकृति हमारी संपत्ति है, तो वो क्यों इसको प्रॉपर्टी बोला जाता है, संपदा बोला जाता है, क्योंकि ये सच में ही दौलत है। और ये दौलत ऐसी नहीं है कि जो बस एक बार दौलत आपको मिल गई उसके बाद दोबारा नहीं मिलेगी, ये तो जैसे जैसे मौसम का चक्कर बदलता जाएगा वैसे वैसे ये प्राकृतिक संपदा जो है वो भी रिन्यू होती चली जाती है। आपको हर साल प्रकृति जो है वो आम देती है, फल देती है, बहुत सारी चीजें देती है। अगर आपने एक बार उसको काट दिया, खत्म कर दिया, तो वो चीज जो है वो सदा के लिए जो है वो खत्म हो जाती है। तो वो यही कहते हैं कि वहां पर कत्था, महुआ, बांस और शीशम के पेड़ उगते थे। एक पुरानी दंत कथा है, दंत कथा मतलब जो किसी के दांतों से,
किससे सुनी, मतलब दादी नानी आगे उनकी दादी नानी ने सुनाई होगी, तो वो दंत कथाएं जो है वो चली हुई है। उसमें सिंगरौली का नाम क्या है, ये भी आपका एक प्रश्न है कि सिंगरौली के क्या क्या नाम है, तो उसका नाम श्रृंगावली भी पर्वतमाला से निकला हुआ है। श्रृंगावली त के पैर में री लगा है और ऊपर बिंदी लगी है, श्रृंगावली, और ये एक पर्वतमाला है जो पूरब से लेकर पश्चिम तक फैली है। चारों ओर पहले इतने घने जंगल हैं कि पहले क्या होता था, यातायात के साधन नहीं होते थे और लोग उस जमाने में सिंगरौली को काला पानी बोलते थे कि अगर कोई चला गया तो उसको वापस आने का रास्ता नहीं मिलता था, इतने घने जंगल थे और लोग जान का जोखिम उठाते थे। तो इस तरीके से ये आपका लेसन जो है वो चल रहा है। किंतु कोई भी प्रदेश आज के लोलुप युग में अपने अलगाव से सुरक्षित नहीं हो पाया है। कहने का मतलब कि आज हर देश, हर समाज का गांव शहर इतना लालची हो गया है कि हम लोग प्रकृति को नष्ट किए जा रहे हैं। कभी कभी किसी इलाके की संपदा ही उसके लिए अभिशाप बन जाता है। कहने का मतलब क्या है कि मान लो कोई ऐसा जंगल है जहां की वनस्पतियां औषधियां बन रही हैं, बहुत ही वैल्यूएबल है, बहुत ही अनमोल है, तो लोग क्या करते हैं, उसको कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, उसे अपने अधीन लाने की कोशिश करते हैं। तो कहते हैं सिंगरौली का भी यही कारण जो था वो हुआ था कि यहाँ वन संपदा जो थी वो बहुत ही अधिक थी, बहुत ही समृद्ध थी, और यही उसके लिए शाप बन गया, अभिशाप बन गया। दिल्ली के सत्ताधारियों ने और उद्योगपतियों ने क्या किया, सिंगरौली की जो अपार खनिज है, तो आप लोग तो फिर तैयार। बहुत बहुत